हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिन इतना अच्छा था तो हमने सोचा, हमने प्लान किया, क्यों ना इस दिन हम लोग वृंदावन चला जाए, वहां पे ठाकुर जी के दर्शन किया जाए और मैं अपने साथ साथ आप सभी लोगों को भी दर्शन कराऊं। तो मेरी फैमिली आई हुई थी, तो मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और सिस्टर की बेटी आई हुई थी, पापा भी आए हुए थे। तो अक्षय तृतीया का एक बहुत ही बड़ा महत्व है कि इस दिन जो बाकी बिहारी जी होते हैं वो अपने चरण के दर्शन देते हैं मंदिर में, तो इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग सुबह बहुत जल्दी देखिए निकले थे घर से, देखिए बिल्कुल सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 के आसपास या 5 o'clock हम लोग निकल गए थे वहाँ से, घर से अपने। और जब हम लोग वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन अक्षय तृतीया की वजह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो देखिए वृंदावन में हम लोग पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है। तो इसके बाद में फिर हमने जैसे ही पार्किंग, गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई, उसके बाद में हमने सोचा कि हमें वहाँ से ऑटो वगैरह इजली मिल जाता है, हर बार ही मिल जाता है, तो इस बार भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं मिला और पैदल पैदल ही हमें बहुत दूर तक जाना पड़ा। लगभग मंदिर के पहले ही थोड़ा हम पहुँचे तभी हमें थोड़ा सा एक रिक्शा मिला, बाकी कोई भी ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने राधे राधे करते हुए सब पूरे रास्ते को हम लोगों ने इस तरह से तय किया। और ये हम लोगों ने देखिए चंदन का टीका भी लगवाया। तो इस तरीके से ये प्रेम मंदिर, जैसे ही गाड़ी पार्क करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रेम मंदिर मिलता है और इस्कॉन टेम्पल मिलता है, उसको क्रॉस करने के बाद ही हम थोड़ा सा रिक्शा हमें मिला वहाँ पर, और उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये प्रेम मंदिर है और कुछ लोग, मतलब खुला हुआ था तो लोग दर्शन करने भी जा रहे थे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। तो हम तो अभी आगे बढ़ गए, हमें जाना था अपना बाकी बिहारी जी टेम्पल में, मंदिर में जाना था हमें, तो हम लोग इसलिए आगे बढ़ गए। अच्छा, जब भी हम लोग इस तरह से कोई भी मतलब मंदिर जाते हैं और इस तरह से चलते जाते हैं ना, तो एक उसका अपना एक अलग ही मज़ा होता है ना, मतलब इस तरह से चलने का। और आप भीड़ देखिए, इतनी भीड़ थी ना, लोग राधे 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 बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तो बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा हमें तो दर्शन करके, काफ़ी अच्छा लगा। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी लेकिन जो दर्शन करने के बाद आपको शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है ना, उसके बाद आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बस वही चीज़ हमारे साथ हुई। तो आप लोगों को दर्शन बहुत मुश्किल से करा पाई हूँ, ये रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपने जैसे देखा कि फ़ोन को लेना और चालू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये हमने ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी की कि जिससे कि आप सभी लोग भी, जो हमारे YouTube फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, वो सारे लोग इसको देख सके, दर्शन कर सके, बाकी बिहारी जी का घर बैठे भी दर्शन कर सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सभी लोग प्यार से बोलिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर दर्शन करके हम लोग रुके नहीं, हम लोग कहीं गए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से दर्शन के लिए हमें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उसके बाद में फिर हम सीधे घर ही आ गए, हम कहीं नहीं गए। तो ये वापसी का कुछ व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।